दोस्तों, कई बार हमारे किचन के वेस्ट पाइप के अंदर इस तरीके से चिकनाई जम जाती है कि जो ड्रेन पाइप है वो पूरा ही ब्लॉक हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप ये डी क्लॉक ड्रेन क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। ये पिडिलाइट ब्रांड का आता है और ये 25 रुपये तक में मार्केट में हमें मिल जाता है। इसके पीछे आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं यूज़ करने के लिए, उस हिसाब से इसको आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी जो ब्लॉकेज है वो किस टाइप की है और आपकी ब्लॉकेज के हिसाब से ही आपने इसको यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ब्लॉकेज बहुत ही मतलब जो स्टबन है, बहुत ही तगड़ी ब्लॉकेज है, तो आपको इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है। बाकी छोटी मोटी ब्लॉकेज या फिर आप रेगुलर इसको यूज़ करते हैं तो फिर आपको मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं करना है इसको। तो आप इस तरीके से अपनी ब्लॉकेज के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊँगा अभी इसको कैसे यूज़ करना है। ये हमने पाइप में कट लगा लिया, आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना, आपको सिंक वाली जाली में से डाल लेना है। यहाँ पर जो ब्लॉकेज थी वो बहुत ही तगड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमें कट लगाना पड़ा उन सब मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। वो जो ब्लॉक ब्लॉक्ड कर हमारी नाली को ब्लॉक कर रहे थे, उन सब मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। तो आपने सबसे पहले सिंक की जाली में इसको ऐसे डाल लेना है इस पाउडर को, और फिर इसके डालने के बाद ही तुरंत आपने एक गिलास पानी डालना है। अभी आप देख सकते हैं ये जो भैया है प्लम्बर, ये इन्होंने ये जो पाउडर है डाल दिया है पाइप के अंदर, और अब ये पानी डाल देंगे। अगर आप भी आपके भी घर की ऐसे ही कोई ड्रेन वगैरह रुक गई है तो आप इन भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे प्लम्बर है और इन्होंने काफ़ी किफ़ायती दामों में हमें ये ठीक करके दिया। और अब आपको 30 मिनट बाद ऐसे गर्म पानी डाल देना है और फिर जो भी कचरा वगैरह होगा वो सब फ्लश आउट हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर आप भी आपके घर के आसपास भी या फिर आपके घर में भी इस तरीके की ड्रेन रुक गई है तो आप इन भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये रोहिणी की साइड रहते हैं।